दोस्तों इस वाले फोन में मेरे को लगता है कि वाइड एंगल लेंस जो है ना ये थोड़ा सा इन लोगों को अच्छा देना चाहिए था। तो हाँ भाई, कैसे हो आप सब। तो यार ये है हमारे पास Realme 12 Pro Plus 5G और इस वाले फोन को मुझे यूज करते हुए 30 दिन हो चुके हैं एंड आज की इस वीडियो में हम इसकी फुल टू फाइनल रिव्यू करने वाले हैं। मेरे को इस वाले फोन में इस बीच क्या अच्छा लगा है, क्या खराब लगा है और क्या आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, सारी बातें बताएंगे। तो उससे पहले भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले दोस्तों मेरे को इस वाले फोन में जो चीजें अच्छी लगी है ना उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद मेरे को जो अच्छा नहीं लगा है ना उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे फोन का डिजाइन दोस्तों अच्छा है भाई, पीछे से काफी बढ़िया दिखता है। बाकी यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है ये सॉलिड है भाई, आपको बैक पैनल जो है वीगन लेदर के साथ मिलेगा, इसके ऊपर फिंगरप्रिंट के निशान वगैरह नहीं आते हैं, इवन स्क्रेचेस वगैरह भी नहीं आएंगे, लेकिन टाइम टू टाइम ना ये गंदा जरूर हो जाएगा भाई, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लेमिनेशन करा देना। बाकी फोन की इनहैंड फील काफी अच्छी है दोस्तों, वन हैंड भी फोन को आप यूज कर पाओगे। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को इसका स्पीकर भी काफी लाउड लगा है भाई, स्पीकर की लाउडनेस आपको इम्प्रेस करेगी और इसका जो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट है ना ये भी काफी फास्ट है दोस्तों, आपको डे टू डे यूज में प्रॉब्लम नहीं देगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले में इन लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें आपको एक फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज वाली एमुलेट कर्व डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे भाई अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करोगे डिस्प्ले के कलर्स वगैरह आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे भाई, और यहाँ पे जो कर्व डिस्प्ले है ना इसके साथ भाई एकदम नेक्स्ट लेवल का मजा आता है वीडियोस वगैरह देखने में। बाकी मैंने इसको आउटडोर यूज करा था भाई, डिस्प्ले अच्छे से विजिबल हो जाता है बट कहीं कहीं पे आपको दिक्कत देगा। अब इसकी जो ब्राइटनेस है भाई अच्छी है, लेकिन जो अभी स्मार्टफोन आ रहे ना उसके कंपैरिजन में आपको अच्छी नहीं मिलेगी। बाकी इसका रिफ्रेश रेट भी उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है दोस्तों, मतलब 120 हर्ट्ज इसमें दिया हुआ है लेकिन होम स्क्रीन पे ही 120 हर्ट्ज पे चलता है, अदरवाइज यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक वगैरह पे ये 90 हर्ट्ज पे चला जाता है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा और इन लोगों को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। बाकी इसकी बैटरी बैकअप मेरे को थोड़ी सी कम लगी भाई, मतलब 5000 एमएच की बैटरी ऐसे बोलने को तो दिया है लेकिन उतना चलता नहीं है भाई, मतलब यहाँ पे अगर आप नॉर्मल यूजर हो ना तो मुश्किल से ही आपका एक दिन तक जाएगा भाई। बट यहाँ पे इसका सलूशन ये है दोस्तों कि फास्ट चार्जिंग है, तो 45 मिनट में ये फोन 0 to फुल चार्ज हो जाता है, तो ऐसा बैटरी ड्रेन का पता नहीं चलता है। बट भाई मेरे को बैटरी बैकअप इसकी थोड़ी सी कम लगी है तो मैंने आपको बताया। अब इस वाले फोन की सॉफ्टवेयर की बात करें तो भाई सॉफ्टवेयर स्टेबल है भाई, मतलब शुरू के टाइम में तो आपको प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन रिकमेंडेशन वगैरह देखने को मिलेंगे, बट इनको भाई इत्मीनान से आप क्लीन कर देना उसके बाद आपको एक क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा। और इतने दिनों में मेरे को यूआई में कोई भी बग वगैरह देखने को नहीं मिला भाई। अब यहाँ पे बात आती है इस वाले फोन की कैमरास की, तो भाई इससे हमने फोटोज निकाली थी, देखो फोटोज अच्छे आते हैं, कलर्स वगैरह आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, डिटेलिंग वगैरह भी भाई काफी अच्छी कैप्चर कर लेता है। और वाइड एंगल लेंस जो है ना इससे हमने फोटोज निकाली थी, देखो यहाँ पे फोटोज उतनी अच्छी नहीं आती है भाई, मतलब देखने में तो फोटोज आपको अच्छी लगेगी लेकिन डिटेलिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, थोड़ा सा वाइड एंगल लेंस लोगों को थोड़ा सा बढ़िया काम करना चाहिए था तब और बेहतर हो सकता था। और सेल्फी कैमरे से भी हमने फोटोज निकाली थी, यहाँ पे भी जो फोटोज है ना अच्छी निकलती है भाई, कलर्स वगैरह आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, डिटेलिंग भी काफी अच्छी कैप्चर करता है। बाकी ये फोन 4K वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है, बट यहाँ पे क्या सीन है कि OIS काम नहीं करता है भाई, मतलब फुल HD 60 FPS पे तो काम करता है OIS लेकिन 4K पे काम नहीं करता है, तो आप हाई रेजोल्यूशन पे स्टेबल वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप वीडियोस देख लो दोस्तों कि ये कैसी वीडियोस रिकॉर्ड करता है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की भी वीडियो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों बात आती है इस वाले फोन की परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का प्रोसेसर लगा हुआ मिल जाता है, अंदर स्कोर भाई इसके 6 लाख की प्लस आती है। बाकी मैंने इसको ऐसा नॉर्मल यूज करा है, नॉर्मल गेमिंग करा है, वहां पे मेरे को कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला भाई, काफी स्टेबल परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दे देगा। बट देखो ये जो प्रोसेसर है ना ऐसा कोई गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, तो अगर आप हेवी गेमिंग करना चाहो ना तो वहां पे आपको दिक्कत देगा। एंड यहाँ पे भाई ये फोन हीट भी हो जाता है नॉर्मल सा भाई, ऐसा कोई ओवर हीट नहीं है, बट आपको नोटिस होगा गर्मियों के टाइम में भाई और ज्यादा नोटिस होगा, तो इसका आप ध्यान रखना। बाकी इसकी ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग भी देखी थी मैंने भाई, अच्छी है, रैम मैनेजमेंट भी काफी सही है भाई, काफी टाइम तक एप्लीकेशन को रैम में रख पाता है। नेटवर्क की बात करें तो इस वाले फोन से मैंने कॉल वगैरह लिया था भाई, कॉलिंग के दौरान कोई दिक्कत नहीं होता, इवन 5G सपोर्ट को भी लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्तों। हालांकि यहाँ पे आपको गूगल डायलर मिलता है, तो कॉल रिकॉर्ड करोगे अनाउंसमेंट हो जाता है, बट आप प्ले स्टोर से वो डायलर डाउनलोड कर लेना, उसके बाद बिंदास कॉल रिकॉर्ड करना भाई। तो ओवरऑल भाई
ये कुछ चीजें थी जो कि मेरे को इस वाले फोन में अच्छी लगी है। अब इसी में कुछ चीजें ऐसी है जो कि मेरे को अच्छी नहीं लगी है। अब सबसे पहले दोस्तों ये लोग जो है ना भाई डिस्प्ले में ब्राइटनेस अच्छी नहीं दी है, मतलब अभी के स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। ऐसा ऑन पेपर देखा जाए तो 950 की जो ब्राइटनेस है अच्छी है दोस्तों। अब हार्श लाइट भी मैंने यूज करा था तो हार्श लाइट में थोड़ा सा दिक्कत करता है, बाकी ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले दिखता ही नहीं है भाई, दिख जाता है आप यूज कर लोगे, बट भाई ऐसा दिखे ना कि भाई बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़े। और यहाँ पे इसका रिफ्रेश रेट भाई ऑप्टिमाइज नहीं है, 90 हर्ट्ज़ पे ही ये चलता है दोस्तों, तो ये भी एक पंगा इसके साथ। और इसके ऊपर ना ड्रैगन टेल का प्रोटेक्शन दिया हुआ है दोस्तों। अब इतने दिनों में ना इसके ऊपर स्क्रेचेस वगैरह भी आ गए हैं छोटे छोटे, जो कि विजुअल नहीं होता है भाई। एंड यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छी क्वालिटी का टेम्पर्ड ग्लास जरूर यूज करना, नहीं तो अगर टूटेगा ना भाई तो लंबा खर्चा हो जाएगा। दोस्तों इस वाले फोन में मेरे को लगता है कि वाइड एंगल लेंस जो है ना ये थोड़ा सा इन लोगों को अच्छा देना चाहिए था, क्योंकि भाई कैमरा में ये लोग ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं और इस वाले फोन को ऐसा कैमरे के ऊपर ही बेच रहे हैं ये लोग, तो 8 मेगापिक्सल का एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों। और फोटोज वीडियोस वगैरह भी डिसेंट टाइप की ही आती है। और यहाँ पे मैंने बताया कि 4K पे OIS काम नहीं करता है, और सेल्फी कैमरे से सिर्फ आप 1080p 30fps पे ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो दोस्तों और वीडियोस वगैरह बनाने के लिए ले रहे हो ना, तो आपको ये टोटली डिसअपॉइंट करेगा भाई, क्योंकि भाई उतना मजा नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं आया तो आपको क्या आएगा। बाकी दोस्तों इसमें LPDDR4X रैम दी गई है, और मेरे को लगता है कि यहाँ पे UFS 3.1 की स्टोरेज है, तो अगर 5X रैम होता ना तो वो ज्यादा बेहतर था भाई, मतलब स्टोरेज स्पीड जो है ना वो आपको थोड़ी सी और फास्ट देखने को मिलती। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मेरे को इस वाले फ़ोन में अच्छी नहीं लगी है। और जिस प्राइस पॉइंट में ये फ़ोन आता है उस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो देखो अभी मार्केट में काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर ब्रांड है दोस्तों, तो आप उनकी तरफ भी एक बार देख लेना, कि आप अपनी राय बताना दोस्तों कमेंट करके कि आपको क्या लगता है इस वाले फ़ोन के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। चलो मिलते हैं फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।